वेलकम टू माई चैनल बेस्ट नॉलेज। टुडे इज़ माई टॉपिक पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर होता क्या है, इसके बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कई बार आपने देखा होगा, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो जो आपका चेकअप किया जाता है वो पल्स ऑक्सीमीटर से, जो फिंगर है आपकी पल्स ऑक्सीमीटर में डालकर आपकी जो बॉडी में ऑक्सीजन है वो कितनी है और जो आपकी हार्ट बीट है वो कितनी है, इससे पता लगाया जा सकता है। अगर आपको बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है तो पल्स ऑक्सीमीटर से आप आसानी से घर बैठे भी चेक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ये प्रॉपर तरीके से बताऊंगी कि जो पल्स ऑक्सीमीटर है उसे रीडिंग कैसे ली जाती है, और मैं आपको उसका डेमो भी करके दिखाऊंगी। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखिए इसमें है व्हाट इज़ ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर होता क्या है, इसमें है अ स्मॉल लाइट वेट डिवाइस। अ पल्स ऑक्सीमीटर इज स्मॉल लाइट वेट यूज टू मोनिटर द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरिड इन द ब्लड। दिस नॉन इनवेसिव टूल अटैच पेनलेसली टू योर फिंगर टिप, सेंडिंग टू वेवलेंथ ऑफ लाइट थ्रू द फिंगर टू मेजर योर पल्स रेट एंड लो मच ऑक्सीजन इन ऑन योर सिस्टम। वंस द ऑक्सीमीटर फिनिश इट्स असेसमेंट, इट्स स्क्रीन विल डिस्प्ले द परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन योर ब्लड कमिंग फ्रॉम योर हार्ट। अब इसमें ये बता रहा है कि जो COD होम केयर प्लस ओमेस्ट्री एक प्लस ऑक्सीमीटर एक छोटा सा डिवाइस होता है। ये छोटा सा होता है, ऑक्सीमीटर काफ़ी बड़ा भी नहीं होता, काफ़ी स्मॉल में होता है। इसे आप आसानी से घर बैठे चेक भी कर सकते हैं। तो इसका जो यूज़ है वो शरीर में हमारी जो बॉडी है उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा को देखने के लिए किया जाता है। हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है आप ऑक्सीमीटर से आसानी से पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो कितनी है। यह नॉन विनसव टूल आपकी उंगलियों को पेनलेसली तरीके से चेक किया जा सकता है, यानी कि उसी के जो ऑक्सीमीटर है जो आपकी फिंगर है ऑक्सीमीटर में डालकर आप आसानी से इसे चेक कर सकते हैं, जिससे आपकी जो नाड़ी की जो दर है उसको मापने के लिए उंगली के माध्यम से प्रकाश की दो तरंगे धैर्य जोड़ता है, यानी कि भेजता है, और आपके सिस्टम में कितना ऑक्सीजन है ये ऑक्सीमीटर से पता लगाया जा सकता है। एक बार जब आप ऑक्सीमीटर पर अपना प्रोसेस पूरा कर लेते हैं तो इसकी स्क्रीन आपके हार्ट से आने वाले ब्लड में ऑक्सीजन का परसेंटेज बताता है। इसमें क्या, जो ऑक्सीमीटर है जो आपके हार्ट से आने वाले ब्लड में ऑक्सीजन कितनी है ये पल्स ऑक्सीमीटर से पता लगाया जा सकता है, ठीक है। और आपके जो बॉडी में ऑक्सीजन कितनी है और सिस्टम में कितनी ऑक्सीजन है इसके बारे में आप आसानी से इसे पता कर सकते हैं। इसके बाद आता है ब्लड ऑक्सीजन, योर SpO2। अब इसका मतलब होता है कि SpO2 ऑल्सो नो एज ऑक्सीजन सर्कुलेशन इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। योर SpO2 रीडिंग इज एन एस्टिमेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन योर ब्लड। एंड SpO2 रीडिंग ऑफ 95% ऑफ ग्रेटर इज जनरली कंसिडर्ड टू बी अ नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल। हावर एन SpO2 रीडिंग ऑफ 92% और लेस सजेस्ट दैट योर ब्लड इज प्रॉपर पुअरली सर्कुलेशन इनसफिशेंट सर्कुलेशन कैन बी कॉज अ रेंज ऑफ एडवर्स हेल्थ कंडीशन इंक्लूडिंग चेस्ट पेन एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड इंक्रीज हार्ट रेट। इसमें क्या है कि ऑक्सीजन की मात्रा का अनुमान लगाया जा सकता है आमतौर पर 95% या उससे अधिक कि SpO2 की रीडिंग को सामान्य ऑक्सीजन स्तर पर माना जाता है। हालांकि 92% या उससे कम SpO2 पढ़ने से पता चलता है कि आपका जो रक्त खराब रूप से संतृप्त है, यानी से आप इससे आपको पता चलता है जो आपका ब्लड है वो कैसा है, इसे आप आसानी से पता लगाया जा सकता है। आपकी जो हेल्थ है उसके आपका जो स्वास्थ्य यानी कि आपका कारण बन सकता है। अगर आप
अपने टाइम टू टाइम पे बॉडी का चेक नहीं करवाते हैं तो आपकी जो हेल्थ है वो आपका कारण बन सकता है, जिससे आपके क्या है कि हार्ट में पेन होगा, सांस लेने में तकलीफ होगा, इससे आपकी जो प्रॉब्लम्स है और ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर आप टाइम टू टाइम पे चेकअप नहीं करवाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो टाइम हुआ है मैं वो आपको करके दिखा देती हूँ कि आपको कैसे चेक करना है। आप घर बैठे आसानी से चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कितना कोरोना फैल चुका है और लोग क्या है काफ़ी बीमार हो रहे हैं कोरोना से। तो इससे बचने का एक ही तरीका है कि अगर आप ऑक्सीमीटर यानी कि पल्स ऑक्सीमीटर से घर बैठे चेक कर लेते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में क्या सिम्टम्स है, क्या हो रहा है आपकी बॉडी में, तो उसे आप आसानी से पता कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट, मैं आपको डेमो करके देती हूँ। गाइस, ये मेरे पास फिंगर टिप्स पल्स ऑक्सीमीटर है जिससे आप आसानी से घर बैठे चेक कर सकते हैं। ये हर कोई अपने अपने घर पर लेके रख सकता है और आसानी से इसे चेक कर सकते हैं। इससे आपको जो ऑक्सीजन की मात्रा है और हार्ट बीट है आसानी से आप चेक कर सकते हैं। ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ये आपको 1000 से 1500 रुपये में आसानी से मेडिकल से मिल सकती हैं। आप इसे ज़रूर परचेज़ कीजिए और मैं इसका आपको डेमो करके दिखा देती हूँ। ये अंदर से किस टाइप की दिखाई देती है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस टाइप की ये आपको दिखाई देगी, काफ़ी स्मॉल होती है ये। आप इसे पर्स में डालकर बैग में डालकर आसानी से अगर कहीं आप बाहर भी जा रहे हैं तो आप आसानी से बैग में भी डाल सकती है। ज़्यादा वेट भी नहीं है इसका और इसे आसानी से आप घर बैठे चेक भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं वॉक करने भी जा रहे हैं, कहीं बाहर भी जा रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप चलते फिरते इसे आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको आपको डेमो करके देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको इसे यहाँ से इस टाइप से आप देख सकते हैं, इसे आपको प्रेस करना है इस टाइप से। जो ये आपकी फिंगर है, इनमें से ये वाली फिंगर फर्स्ट इंडेक्स फिंगर आपको इसके अंदर इस टाइप से रखना है। ठीक है, जो ये आप बटन देख रहे हैं इस टाइप से आपकी जो फिंगर है अंदर तक इसमें जानी चाहिए इस टाइप से। जो ये आप बटन देख रहे हैं ये ऑन ऑफ का बटन है। अब मैं इसे प्रेस करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए, ये रीडिंग ले रहा है, आप देख सकते हैं ये रीडिंग ले रहा है इस वक्त। जब तक इसकी रीडिंग कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको फिंगर को बाहर नहीं निकालना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। आप देखिए इसमें, ये जो आप देख सकते हैं इसमें, आप ये देख सकते हैं SpO2, ये है 98, पल्स रेट है 96। आपको इस टाइप से इसकी रीडिंग करनी है, जब तक इसकी रीडिंग कंप्लीट ना हो जाए तो आपको फिंगर को बाहर नहीं निकालना। अब आप देख सकते हैं जो इसकी रीडिंग है कंप्लीट हो चुकी है, SpO2 99 और पल्स रेट है वो 90 है। देखिए घट और बढ़ जाती है, आप देख सकते हैं। इस टाइप से आपको इसकी रीडिंग करनी है, आप अच्छे से देख लीजिए। जैसे ही ये रीडिंग आप लेते हैं तो आपको इसे बाहर निकालना है फिंगर को, और ये अपने आप बंद हो जाएगा यानी कि ऑफ हो जाएगा। मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, ये देखिए ये अपने आप बंद हो चुका है। तो आप इसे आसानी से घर बैठे चेक कर सकते हैं। अगर आज के टाइम में आप देख सकते हैं, आज के टाइम में अभी की सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोरोना के सिम्टम्स हमें मालूम नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कोरोना लंग्स पर इफेक्ट डालता है और हमारे ऑक्सीजन लेवल को कम करता है। इसी ऑक्सीजन लेवल को चेक करने के लिए इस ऑक्सीमीटर का यूज़ करना चाहिए। अगर हमारी बॉडी का SpO2 अगर कम होता है तो हमें कोरोना हो सकता है। अगर 90 से कम होता है तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर आपका 90 से कम होता है तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, उसे आपको कॉल करनी चाहिए। और आप जब इसकी रीडिंग लेते हैं तो आप इसे एक प्लेन पेपर पर अपनी रीडिंग लिख लीजिए, और आपको ये दिन में 3 बार करना है। आप अपनी रीडिंग को नोट करते रहें, और अगर आपको लगता है कि आपकी जो 90 से कम हो रहा है तो आप इसे नोट कर लीजिए और डॉक्टर से ज़रूर सलाह लीजिए।
अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, हार्ट में अगर कोई पेन हो रहा है, तो आप दिन में 3 बार इसे चेक कर सकते हैं। अगर कोई नॉर्मल है तो आप इसे दिन में 1 बार ही चेक कीजिए, और इसे आप जरूर अपने घर पर रखिए। ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, और ये आपको 1000-1500 की, यानी कि 1500 तक के आपको ये आसानी से मेडिकल से मिल जाएगी। और ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।